झिरोली मैग्नेसाइट कंपनी में कार्य के दौरान मृत पाए गए कर्मचारी के आश्रितों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। झिरोली निवासी ग्रामीण देवकी देवी और उनके पुत्र हेमंत कुमार ने बताया कि वर्ष 2010 में कर्मचारी सुनील चंद्र की कार्य के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि उनके स्थान पर मृतक आश्रित के तौर पर नियुक्ति देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन घटना के 9 साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। प्रभावित परिवार ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। हम यहाँ अपने रोजगार के लिए आए हैं मृतक आश्रित के तहत मैग्नेसाइट कंपनी में। मामला था मृतक आश्रित के तहत, मेरे पिताजी उस कंपनी में स्थायी रोजगार पर थे जिसमें उनके अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी में, जिनकी उनकी ऑन ड्यूटी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई। वो सुरक्षा गार्ड के पद पर थे और जिसके कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई, न उनका केस भी दबा दिया गया इनकी 2010 में। तो तब से लेकर आज तक खाली आश्वासन दिया गया है कि आपको आपके पिताजी के जगह पर रखा जाएगा, तो तब से कोई वो नहीं हुई। मैं कंपनी के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ, इसलिए मुझे डीएम मैम की शरण लेनी पड़ी। डीएम मैम ने कहा है कि कंपनी को मैं बात करूँगी। 2010 से तब तक आज तक कंपनी हमें बार बार झूठा आश्वासन देते जा रही है। मैं बहुत बार जा चुका हूँ, इस कारण मेरी माँ भी डिप्रेशन में जा चुकी है। श्री सुनील कुमार की मृत्यु जो है 2009 में जो है मैंने शायद में ड्यूटी के दौरान ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुआ, जिसकी उनकी बॉडी जो है शाम को मिली हमें, और जिसमें कंपनी के उसमें ये है कि मृत आश्रित को जो है कंपनी में नौकरी दी जाती है, उसमें वो रूल्स हैं। 2011-12 में भी वहाँ दिया गया है, 2015-16 में भी दिया गया है, 2017-18 में भी वहाँ पे जो है मृत आश्रित को नौकरी दी गई है। और जबकि हमारे ग्राम सभा हमारे जबकि सब अफेक्टेड गाँव झिरोली है, झिरोली वालों को जो है उसमें मृत आश्रित वालों को किसी को भी नौकरी नहीं दी जा रही है, जिसमें कंपनी महाप्रबंधक को बार बार कहने के बावजूद भी कंपनी महाप्रबंधक इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। शासन प्रशासन को भी इस बारे में हमने कई बार कह भी दिया है, और आज इसलिए हम डीएम साहब के शरण में इसीलिए आए हैं ताकि मतलब इनके घर का जो भरण पोषण के लिए इनके बच्चे को नौकरी दी जाए। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।